और जब पत्नी आई ना, धीरे धीरे फेरने लगी साहब, फिर गए साहब, ज्यादा फेर दिया मैंने भी फिरवा लिया। मैं वो क्या है, अब उसके नरम नरम हाथ मेरे फिरवाए तो मेरे को आदत पड़ गई। अगर मैं उससे नहीं फिरवाता तो किससे फिरवाता? नहीं बात बता रहा हूँ, नहीं बात बता रहा हूँ, नहीं क्या करें बताओ। दूसरी बात, मान लो मैं मना कर देता और उसकी भी आदत पड़ गई थी और वो किसी दूसरे के सिर पर हाथ फेर देती तो होता है 8-9 साल का सागर जी, सही बता रहा हूँ आपको, वो मेरे घर के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी, क्या बाबा उस पर क्या लिखा उस मोटरसाइकिल पे? मैंने कहा यार बेटा उस पर लिखा TVS। तो कि क्या ये? मेरे कंपनी का नाम है बेटा, उस कंपनी की मोटरसाइकिल है, इसका फुल फॉर्म बताओ बाबा। मैंने फुल फॉर्म मेरे को नहीं मालूम बेटा। तो क्या बाबा मैं बताऊँ? मैंने बताया और हुआ 8 साल का बच्चा उसका फुल, मेरे को नहीं मालूम उसको फुल फॉर्म बताओ। तो क्या कह TVS टकला वेरी स्मार्ट, इतने खतरनाक बच्चे हो गए। बच्चों के बाद बता रहा हूँ आपको, अब अंधेरे न जंग हमसे जीत पाएंगे, रोशनी के लिए सूरज उतार लाए गए हमारे इस काव्य कुल के सूरज आदरणीय दादा श्री हुकुम सिंह जी, मध्य प्रदेश से लेकर के हमारे बीच में आए गए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दादा श्री हुकुम सिंह जी। 4 लाइनें अगर आपको ऐसा लगे कि ठीक है तो आप उनके सम्मान में तालियां अवश्य बजाएं। सेवा को साधना मानते अर्चन योग्य वे होते हैं। प्रीत बांटते निश्चल मन से निर्मल लोग वे होते हैं। और आदर्शों को घर जाते जो पूजन योग्य वे होते हैं। और जिनसे सीख जमाना लेता कुछ ही लोग वे होते हैं। बुजुर्गों का सम्मान हुआ, बहुत अच्छा लगा और होना भी चाहिए। दिव्यांगों का सम्मान हुआ, होना चाहिए, विवेकानंद जी को याद किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ बेटियाँ बैठी हुई है उनसे, क्योंकि बेटियों के बारे में कुछ बताया, मैं भी कल 4 लाइनों में उनका सम्मान भी उनको सीख भी देना चाहता हूँ। बेटियों खुश रहो तुम जहाँ भी रहो, सपने साधे रखो खिलखिलाती रहो, जीवन से उजियारा सभी को मिले रोशनी बन के तुम जगमगाती रहो, रोशनी बन के तुम जगमगाती रहो। मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, 2 पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कि नेह की पायले जिन पगों में बंधे, जो अपने परिवार को प्रेम से बांध के रखती हो, जो अपने पति के प्रति समर्पण भाव रखती हो, जो मर्यादा में रहते हुए पूरे घर को बांधती हो, उस घर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता साहब। तो नेह की पायले जिन पगों में बंधे, जिन में घुंघरू समर्पण के बजने लगे, तो मर्यादा के ही नगमों की जहां महफिल सजे, अपने आप सदन जगमगाने लगे, अपने आप सदन जगमगाने लगे। बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए साहब, जो पूरा जीवन अपना सार पूरे अपने संतानों के लिए समर्पित कर देते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। बहुत खुशी हुई मुझे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्यों होना चाहिए। कि घृत के दीपक पुराने
घृत के दीपक पुराने अखंड जहां जलते हैं, लुभानी महक के संग नित उजाला करते हैं। मैंने लिखा है सब माता पिता के ऊपर लिखा है, चार पंक्तियां वो भी दे देता हूं कि पाषाणों में मानते हम सीता राम रहते हैं, मथुरा द्वारिका जाते हैं वहां घनश्याम रहते हैं, मंदिर मंदिर माथा टेके वहां भगवान रहते हैं, पगले मात पिता के चरणों में सब धाम रहते हैं। अब आखिरी में उठाया हास्य के लिए बुलाया, पहले बुला लेना था, पर फिर भी ठीक है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, इन्होंने मेरी गंजी खोपड़ी को छेड़ा था, सागर जी ने भी छेड़ा, मतलब ये मान के चलिए कि क्या मालूम क्या अब इस गंजी खोपड़ी ने क्या बिगाड़ा इनका। नहीं मैं आप सही बता रहा हूँ आपको साहब की, मैं कितना प्रेम करता हूँ, यहाँ से बात आरंभ करता हूँ जब समझ में आएगी आपको, जबकि ये छेड़ते हैं, मैं कितना प्रेम करता हूँ यहाँ से बात करता हूँ। चांद सी चमकीली गंजी मेरी हो ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा, ना झुरमुट है ना घुंघराले, ना चांदी से ना है काले, एक सिलपट चिकनी चिकनी है, कुछ बाल ये झालर वाले हैं, कुछ बाल ये झालर वाले हैं, जैसा कुरूप ख्यालों में था वैसा मैंने पाया है, हाँ तुम बिल्कुल, इतना प्रेम करता हूँ सर, और देख ले बुढ़ापे के प्रेम। ओ मेरी टकली रानी, हाँ खोपड़ी मेरी गंजी मेरी मजे में ले रहे आप, हाँ ओ मेरी टकली रानी तेरी अद्भुत कहानी तो कितनी है सुहानी, और मैं महान तुझे जलते हैं सारे पर मुझे घुमा, ओ मेरी टकली रानी, ये बच्चे बाल रे भगवन तू इनको भी तो झड़ा दे, गंजों में मुझे मान सम्मान विद्वान बना दे, मैं तेरी सिलपट पे हो गया हूँ विदा, ओ मेरी टकली रानी तेरी अद्भुत कहानी तो कितनी है सुहानी, और मैं महान तुझ पे जलते हैं सारे पर मुझे गुमान। देखिए सही बात तो ये है, और एक बात और बता देना चाहता हूँ, हंसी उड़ाने दो इनको, हम गंजे लोग जितने भी यहाँ हैं, मेरी प्रजाति के जितने लोग बैठे हैं, सबको जागने की आवश्यकता है, क्योंकि विवेकानंद जी ने भी कहा था उठो जागो और लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हाँ तो अपने को करना कुछ नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है, हम एक खुड़गंजा दल बनाएंगे, खुड़गंजा दल नहीं, 30% गंजे हैं, चार प्रकार के गंजे होते हैं साहब, एक तो बिल्कुल सिलपट, दूसरा ये मेरे जैसे झालर गंज, और तीसरा ये चांदनिया ये यहाँ छपका है ना, और चौथा ये अग्रगंज, जब पत्नी हाथ फेरने लगती है ना ये धीरे धीरे बाल खेरने लगते हैं यहाँ से। हाँ नहीं मेरे साथ भी हुआ, आपने बताया बहुत बढ़िया बात, मेरे साथ भी हुआ ऐसे ही, दो ही हाथ फेरती है सिर पे, माता जी फेरती है और फिर उसके बाद में पत्नी फेरने लगती है, तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मेरी माता जी ने जब तक हाथ फेरा नहीं, हिप्पी कंड इतने लंबे बाल थे मेरे सिर पे,
और जब पत्नी आई ना धीरे धीरे फेरने लगी साहब, फिर गए साहब ज़्यादा फेर दिया मैंने भी फिरवा लिया। मैं वो क्या है, अब उसके नरम नरम हाथ मेरे फिरवाए तो मेरे को आदत पड़ गई, अगर मैं उससे नहीं फिरवाता तो किससे फिरवाता। मैं बात बता रहा हूँ क्या करें बता। दूसरी बात मान लो मैं मना कर देता और उसकी भी आदत पड़ गई थी और वो किसी दूसरे के सिर पर हाथ फेर देती तो नहीं, अपन तो देखो अपन तो आगे की सोच के चलते हैं, गलत नहीं है हा? तो इसलिए हाँ इसलिए हाँ आ जाओ ये टोपे में से आ जाओ, आप तो आराम से आओ है ना। तो अब इसलिए जो है अब एक बात बता देता हूँ साहब, इसके फायदे ये क्यों जलते हैं, जलते क्यों हैं, ये जलते इसलिए है कि ये फायदे ये सुख इनको प्राप्त नहीं है, है ना, इसलिए जलते हैं। हाँ इसके बहुत सारे फायदे हैं साहब, जैसे तेल कम लगता है, नहीं लगते कहाँ यूँ हाथ कर लो बस, जुए नहीं पड़ती है, ये बाली तो नहीं है जुए क्या पड़ेगी, है ना। उसके बाद में बच्चों को तपले के आनंद, मक्खियों को हवेड्डे का आनंद। नहीं मैं आपको बताऊँ, मेरा पोता है 1-8 साल का, मेरा पोता है 8-9 साल का सागर जी, सही बता रहा हूँ आपको, वो मेरे घर के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी, तो एक बाबा उस पर क्या लिखा उस मोटरसाइकिल पे, मैंने कहा यार बेटा उस पर लिखा TVS, तो कि क्या ये, मेरे कंपनी का नाम है बेटा, उस कंपनी की मोटरसाइकिल है, इसका फुल फॉर्म बताओ बाबा, मैंने फुल फॉर्म मेरे को नहीं मालूम बेटा, तो क्या बाबा मैं बताऊँ, मैंने बताया और हुआ 8 साल का बच्चा उसका फुल, मेरे को नहीं मालूम उसको फुल फॉर्म बताओ, तो क्या कह TVS टकला वेरी स्मार्ट, इतने खतरनाक बच्चे हो गए, बच्चों को बात बता रहा हूँ आपको, नहीं क्या करोगे इनका, अपन बहुत खतरनाक हो गए भाई साहब। ये सागर जी बहुत अच्छे अधिकारी हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, मेरे तो आदर्श है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कॉलेज में मेरे सिर्फ जूनियर थे ये, कॉलेज में चाकू लेके चले गए साहब, खुला चाकू लेके, अब खुला चाकू लेके जब चले गए तो सबने कहा कि सर से कहा कि सर ये खुला चाकू लेके घूम रहे हैं सागर जी, बुलाए बुलाए सतीश जी इधर आ, क्या है ये, खड़े हो जाए क्लास में, खड़ा कर दिया उसने चाकू लेके, क्यों चाकू क्यों लेके खड़े हो, तो क्या करूँ साहब बंदूक है तो है ही नहीं घर में, क्या ठीक है हाँ, तो क्या ठीक खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो, और पेपर पढ़ने लग गए, इनको थोड़ी गिल्टी हुई महसूस हुई, इन्होंने कहा कि साहब मुझे छुट्टी चाहिए, क्या कि नहीं छुट्टी 5 दिन में तो इस कॉलेज में आया है यहाँ पे और 5 दिन के बाद आप छुट्टी चाहिए, नहीं साहब मैं नहीं रहूँगा, मैं छुट्टी चाहिए, खड़ा रहे और सब देख रहे हो, और होता क्या है कि वो इन्होंने जो है वो पेपर पढ़ते पढ़ते कहा क्या है यार ये TI को गोली मार दिया आरक्षक ने, कैसे जमाना आया, क्या साहब मैं बताऊँ क्यों मारी, उसको छुट्टी नहीं दी होगी साहब, क्या कहे इतने खतरनाक है साहब सागर जी, मैं आपको मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि ये गंजा मंत्र मैंने वैसे ही प्राप्त नहीं किया, गंजे मंत्र की रचना की नियमित पाठ करता हूँ, जब जाके मुझे गंजत्व प्राप्त हुआ है, आज आप लोगों को मैं गंजा मंत्र दे करके जा रहा हूँ, जिस तन्मयता से मैं इसका पाठ करता हूँ, यदि उस तन्मयता से आप भी इसका पाठ करेंगे तो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा, और माता बहने इस मंत्र से दूर रहें, हाँ और कुछ नहीं करना, हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो जाओ, हे रघुपति वर दे स्वामी सिरसल पठी कर दे, भक्त खड़ा तेरे द्वारन इस गोल गट कर दे, हे रघुपति वर दे तुम हो रक्षक मेरे, सबके प्राण पति स्वामी सबके प्राण पति, मुझे झालर नहीं भावे ये झालर, मुझे झालर नहीं भावे तू तो चिकनी चटी कर दे, हे रघुपति वर दे काले धोले बालन, बुरे ही लगन ये लगे स्वामी बुरे ही लगन ये लगे, तू है दया का सागर खोपड़ी पीली पट कर दे, हे रघुपति वर दे तुम फूल की भांति, ये छपका हो जाता नहीं चांदमिया, अति कुरूप ही दिखे स्वामी अति कुरूप ही दिखे, इतनी तो कृपा कर स्वामी आधा बंजड़ी कर दे, गोलगट कर दे चिकनी चट कर दे पीली
पट कर दे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।